आज हम लोग देखेंगे शब्दों को जोड़ना। आज इस टॉपिक के बाद जितने ये वाले शब्द दिए हुए हैं, आज के बाद कभी इनमें समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखो कैसे क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो उदाहरण का शब्द चिन्ह याद होना चाहिए। अगर शब्द चिन्ह याद होगा तो कम से कम 20 से 30 की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उदाहरण, जैसे उदाहरण का साइन ये होता है, इसमें डैश निकाल के और तौर और ये पर जोड़ा जाता है। इसमें तौर पर ये होता है, इसको बहुत फेमस माना जाता है। अगर सिंगल भी आएगा तौर पर तो इसे जोड़ा जाता है। इसका एक रूप और भी होता है जो लड़के करते हैं, उदाहरण के तौर पर उदाहरण के साइन को डबल कर देते हैं और इसी में पर जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसी में। इसके नियम होता है तर दर डर का नियम होता है कि किसी शब्द की लंबाई को डबल कर देता है तो उसमें तर दर, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तौर पर हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये परमानेंट ही आता है, किसी भी उसमें आएगा तो इसमें जैसे आगे आएगा उसी में हम बता, जैसे ये ठीक तौर से आ गया तो ये देखिए फिर से तौर पर आ रहा, तो ठीक का साइन लाइन काट के बनता है तौर, बना दिया तौर से आ जाएगा। ठीक तौर पर आ जाए तो ठीक बना दिया गया और तौर पर हो गया। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ठीक को का को डबल कर देंगे और पर जोड़ सकते हैं। या तो आपको तौर आएगा या तो ऐसे लिखना है या तो फिर किसी शब्द को डबल करना है। और दूसरा इसका आता है ठीक प्रकार से, सबसे ज़्यादा ठीक आता है। इस ठीक में आज के बाद कोई भी शब्द रहेगा तो उसको खाली छोड़ना ही नहीं है। चाहे ठीक प्रकार से लिखना है तो कैसे लिखा जाए, यहाँ पे ठीक का साइन लाइन काट के बना दिया जाता है, और ठीक प्रकार से लिखना है तो प्रकार से, ठीक प्रकार से हो गया। अगर मान लो बोल दे ठीक तरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक बनाया और ठीक लिख दिया और ये ठीक तरह से हो गया। समझ में आ रहा, यह ठीक है किया जाए, क्या आ जाए, यह ठीक है तो यह का साइन बना दिया और ठीक यहाँ बना दिया और है कि ये जोड़ दिया। जितने भी आज के बाद अगर ठीक आएंगे तो फिर सारे के सारे इसमें जुड़ेंगे। अगर मान लो बोल दिया जाए ठीक ढंग से तो भी तुम्हें लिख दिया जाएगा ठीक ढंग से, तो ठीक ये लिख दिया और यहीं पे ढंग बना दिया और से जोड़ दिया इसी में, ठीक है। इसका रूप और छोटा कर लेते हैं, ठीक बना दिया डैश निकाल के ढंग से इसी में जोड़ देते हैं तो ठीक ढंग से हो जाएगा। ठीक ढंग से हो गया, ठीक प्रकार से हो गया, ठीक तौर से हो गया, यह ठीक है कि, जितने भी ठीक आएंगे। अब ठीक नहीं है कि आ जाए तो भी तुमको लिखना है तो ठीक लिख दिया, ठीक नहीं है कि ये आ जाएगा। जब भी आज के बाद अगर ठीक मिलेगा तो शब्द सिंगल नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, शब्द हमेशा पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। जितना जोड़ोगे उससे ज़्यादा होगा। अब एक शब्द यह आता है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र को कैसे लिखना है, तो ये एक साथ ही आएगा मिलेगा, तो इसको समझ लेंगे ना। कोई भी वाक्यांश अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कभी नहीं बोलेंगे, और अगर समझ में नहीं आया वाक्यांश कितना भी रट लोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, लिख भी जाएगा तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में लिखना, तो गा और रा बना है ग्रामीण, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। क्षेत्र के लिए क्या करें, चा बनेगा इसी में क्षेत्र ये कर दिया जाएगा और मे बना दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा। अगर अब ये बोला ग्रामीण क्षेत्रों में, एक ग्रामीण क्षेत्र में भी आता और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आता तो यहाँ डांट लिया जाए। एक एक चीज़ का याद रखना, क्योंकि SSC हो चाहे रेलवे या कुछ भी हो, हर एक एक पॉइंट का इस्तेमाल करेगा। एक भाई जब वो एक पॉइंट की गलती कम कर, भाई तुम्हारी गलती काट रहा है तो नंबर भी तो वो दे रहा तुमको। अगर यहाँ पे क्षेत्र लिखा होगा केवल ग्रामीण क्षेत्र में तो डॉट नहीं लगेगी, और क्षेत्रों में कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डॉट लग जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें, अगर उसने बोला है कि सुरक्षा लिखना है तो सुरक्षा लिखना है, सुरक्षा में लिखना है तो में लिखना है, और में भी डॉट भी लगानी है। समझ में आ रहा है, हम आशा करते हैं एक साथ लिखा जाएगा, हम बना दिया आशा का साइन हो गया और करते हैं कि आ गया तो ये जोड़ दिया गया, सिंपल आ रहा है। हम का साइन बनाया, देखो फिर से समझो, हम का साइन ये होता है और इसी में आशा का साइन जोड़ दिया, करते हैं कि जोड़ दिया। समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं, हम का साइन है आशा का साइन है, करते हैं कि इसी में जोड़ दिया गया, ठीक है। संदेह है कि सबसे ज़्यादा आता है और इसको लोग दिक्कत भी करता है, संदेह का साइन में संदेह है कि ये जोड़ गया, इसमें संदेह नहीं है कि वो भी आएगा, इसमें का साइन ये हो गया, इसमें संदेह है कि ये भी आ जाएगा।
संदेह नहीं है कि आएगा, तो भी तो संदेह नहीं है कि आएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा तो यूज होते रहते हैं। हम वो बता रहे हैं कि जो शब्द यूज होते हैं उसी के साथ साथ आपको लेकर के इसको चलना है, ठीक है। एक ये आता स्वागत योग्य है, सबसे ज़्यादा आएगा और सबने अपना अपना एक सिंबल बना लिया था, लेकिन स्वागत योग्य है आ रहा है इसमें लिया था, तो स्वागत का साइन ये हो गया और ये योग्य और है इसी में जोड़ दिया गया। सिंपल है, स्वागत का साइन बना दिया और गा बनाया और या का डैश निकाल के स्वागत योग्य है। अगर मान लीजिए स्वागत योग्य है किया जाए तो यहीं पे एक इसको इसे डैश निकाल दिया। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, ठीक है। अब देखते हैं उनके बारे में, एक उनका साइन ये होता है और बारे में जोड़ दिया जाएगा, तो उनके बारे में। जब भी बारे में आता उससे पहले हमेशा के ही आता है, 100 में 99% के बारे में, ठीक है। तो के बारे में आता है, हमेशा बारे में लिखोगे उससे पहले हमेशा के आता है, ठीक है। एक इसका ये सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी का तो शब्द चिन्ह दिया हुआ सबसे बड़ी, अब यहाँ पे लिखना तुम्हें आवश्यकता है कि, तो आवश्यकता का साइन यहाँ पे खुद जोड़ दिया जाएगा, सबसे बड़ी आवश्यकता। अब मान लो आवश्यकता है किया जाए तो यहीं पर आवश्यकता है किए मिलेगा, समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो कितना। फिर देखिए आगे यहाँ पे तौर पर, जो यहाँ बताया चाहते ये वाले लिख लो, चाहिए समाज का साइन ये होता है, सामाजिक तौर पर ये लिखा जा सकता है, या तो समाज बनाया का को डबल कर दिया और पर जोड़ दिया जाए, दोनों लिखा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। एक आता है शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है, ये सा बनेगा ना बनेगा, शांतिपूर्ण यहीं पे हो गया और फिर यहीं से डैश निकाल के ढंग से इसको कर दिया जाता है। यहाँ पे हम अगली बार में जोड़ के आपको बता रहे हैं, यहाँ पे इसे लिखा शांतिपूर्ण ये हो गया और ढंग से ये ऊपर से इसे लिख दिया जाएगा, केवल शब्द मिलेगा शांतिपूर्ण ढंग से ही आएगा, ठीक है। एक ये सर्वसम्मति आता है, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं, सिंपल नियम से होता है और कभी कभी गलत भी नहीं होगा। सर्व का साइन लाइन पे बनता है तो ये बना दिया, और सही तौर सम्मति का साइन होता है लाइन काट करके, इसको ये काट दिया तो ये बन गया सर्वसम्मति। इसको अगर बड़ा बनाओगे सर्वसम्मति ऐसे बनाओगे तो दो बार तीन बार आ रहा है, इसका भी तो एक तुमको फायदा मिलेगा। अगर मान लो सर्वसम्मति आ गया, एक शब्द चिन्ह ये भी याद हो रहेगा, ये भी आ रहा है, तो दो फो भाई दो चीज़ें कवर हो रही ना, तो सर्वसम्मति में उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। एक ये आता है इम्पोर्टेंट है, सुचारू रूप से, इसमें क्या क्या सा के गोले की दिशा बदल दिया जाएगा, सफर वाला नियम है, तो सचर ये हो गया। अब रूप से लिखना है तो यहीं पर रा बनेगा पुआ और रूप से हो जाएगा, ठीक है, तो सुचारू और रूप से ये हो गया। स्वागत किया जाना चाहिए, तो स्वागत का साइन ये हो गया और किया यहाँ पे कर दिया और जाना चाहिए लिखना, या तो ऐसे वाला लिखा जाएगा। चाहिए का साइन ये वाला होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जाना चाहिए लिखना तो इस तरीके इसी को जोड़ा जाता है, तो स्वागत लिख दिया तुमने, आपके स्वागत यहाँ पे हो गया, किया बना दिया, या तो जाना चाहिए ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे ऐसे करके स्वागत यहाँ पे कर दिया इसको कर दिया, या तो जाना चाहिए ये वाला लिखा जा सकता है। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। इसमें इम्पॉर्टेंट इसमें बेटा ये है, एक ठीक प्रकार से देखा जाएगा, एक ये ग्रामीण लिखा जाएगा और ये क्या नाम है इसमें संदेह वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके बाद से आज के बाद से अगर आपको कहीं पर भी ठीक मिल जाए, कहीं पर भी ठीक मिल जाए और उसके बाद कोई भी शब्द आ जाए तो आप जोड़ के लिखेंगे और वो परमानेंट लिखता हुआ चला जाएगा। बाकी और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है।